हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत खास टॉपिक पे है। बहुत सारे लोग हैं जो ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ये बुक करना चाहते हैं, बट बहुत सारे कन्फ्यूजिंग की वजह से लोग बुक नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग अपना सेल्फ कार कैसे बुक कर सकते हैं, कैसे अपनी सेल्फ कार को आप आराम से बुक करके कहीं भी घुमा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको सेल्फ कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी सेल्फ कार लिया था जब मैं बैंगलोर गया था, बैंगलोर से मैं मैसूर गया था, मैसूर में मैंने सेल्फ कार लिया था और उससे मैंने पूरा घूमा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग सेल्फ कार को कैसे बुक कर सकते हैं, किस तरीके से बुक कर सकते हैं, कौन कौन सी साइडें हैं। अब गाइस बात करते हैं कि सेल्फ ड्राइव कार को हम कैसे बुक कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखिए गाइस, मैं आपको पहले इंडिया का अगर बताऊं तो इंडिया में जो आप सेल्फ ड्राइव कार बुक करते हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंडिया का डीएल होना चाहिए, प्रॉपर डीएल आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट माइनॉरिटी है, आपके पास होना ही चाहिए अगर आप किसी भी सेल्फ ड्राइव कार को लेते हैं तो। और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि कार को आपको, वो टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं बात करूंगा कि आप कैसे ले जाते हैं। देखिए कार बुक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप विद फ्यूल ले लीजिए, एक होता है आप विदाउट फ्यूल ले लीजिए। अब क्या होता है विद फ्यूल और विदाउट फ्यूल में, सपोज़ कीजिए कि आपने कार को चार दिन के लिए लिया और चार दिन के लिए आपने लिया विद फ्यूल, 1000 किलोमीटर का विद फ्यूल। तो क्या होता है कि अब आप सोचेंगे कि हमारे जो पेट्रोल की जो टंकी है वो तो होती है 45 लीटर की या 40 लीटर की, वो 1000 किलोमीटर चलेगी नहीं, फिर पेट्रोल कहाँ से। तो गाइस अगर आपने विद फ्यूल लिया है कोई कार आपने विद फ्यूल बुक किया है, तो क्या होता है उसमें कि आप जब वो कार लेते हैं, आप वो कार को घुमाते हैं, आपके कार का पेट्रोल ख़त्म होता है, आप किसी भी ऑथराइज पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, उसकी जो स्लिप होती है प्लस जो फोटो होती है वो आप उनको दिखाएंगे एट ए टाइम ऑफ जब आप डिलीवरी करते हैं अपनी कार, तो वो आपको आपका जो पैसा है वो दे देते हैं। ये तो होता है विद फ्यूल वाले में। अब मैं बात करूँगा सेकेंड चीज़ की कि अगर आप कार को लेते हैं विदाउट फ्यूल, तो विदाउट फ्यूल में क्या होता है। तो अगर गाइस आप कार को लेते हैं विदाउट फ्यूल, तो विदाउट फ्यूल में सिर्फ ये होता है कि आपने वो जो कार आपने ली है उस कार का जो पूरा फ्यूल है, सपोज़ कि जब आपने कार को चार दिन के लिए लिया है 1000 किलोमीटर के लिए, तो 1000 किलोमीटर में जितना भी फ्यूल आएगा वो फ्यूल आप अपने पैसे से देंगे। ये चीज़ें होती है। अब बात आती है इसमें किलोमीटर की और चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इसे अनलिमिटेड किलोमीटर पे भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें लिमिटेड किलोमीटर पे ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे घंटों पे भी बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके अपने चॉइसेस पे, आपका जो है, और पिकअप एंड ड्रॉपिंग पॉइंट भी आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा जगह से आपको पिकअप करना है, कौन से पॉइंट से आपको ड्रॉप करना है कार को, वो चीज़ें भी। अब ये जो ड्रॉपिंग वाला सीन है, अब ये सीन है कि सपोज़ कीजिए मैं कर्नाटका में मैं कार बुक कर रहा हूँ और मैंने बुक किया ऊटी में और मुझे छोड़ना कुर्ग में है, तो हो सकता है माइट बी पॉसिबल। अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे बैंगलोर में कार चाहिए और मैं गोवा में से ड्रॉप करूँगा, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल मतलब अभी जितनी भी ड्राइविंग कारें अभी चल रही है कंपनी, वो कंपनियाँ ऐसी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं करती कि आप सेम स्टेट में तो ड्रॉप कर दें, बट डिफरेंट स्टेट में ड्रॉप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मे बी। तो आप इस चीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट अभी तक का जितना मैंने देखा, मैंने ट्राई किया कि मैं बैंगलोर में कार लूँ, मैं गोवा में ड्रॉप करूँ, बट मुझे ऐसा मिला नहीं, इसलिए मैं ये चीज़ आपसे कर रहा हूँ शेयर। और गाइस अब बात करते हैं कि अगर आपने सेल्फ ड्राइव कार ले ली और लेने के बाद अगर उसके साथ कुछ हो जाए, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो क्या होगा। देखिए मैं बताता हूँ, अगर सिंपल पंचर हुआ है या सिंपली कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है, तो वो तो आप खुद से ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर कार आप चल रहे हैं, कार पंचर हो गया तो आपने खुद से चेंज करा दिया। अगर कार में कोई मेजर इशू है यानी कोई मेजर ब्रेकडाउन हो गया है, तो मेजर ब्रेकडाउन के कंडीशन में आप उनको कॉल करेंगे, अपना जो भी आपने जूम कार से किया या आरवीएस से किया, किसी भी कंपनी से किया, उनको कॉल करेंगे, वो बताएंगे कि इस प्लेस पे मैं हूँ, मेरा कार ब्रेकडाउन हो गया है, तो वो आपको सपोर्ट दे देंगे, वहीं से ही वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे तो मैं नहीं चाहता ऐसा हो, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, आप जाएँ और आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाए, और उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन के बारे में आपको बता दूँ, हर एक कार का इंश्योरेंस होता है, फर्स्ट पार्टी भी थर्ड पार्टी भी। तो अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि उनका जो भी फाइल चार्ज होता है, सपोज़ कीजिए उनका फाइल चार्ज है 4000 या 8000 या 10000, तो उतने का फाइल चार्ज आपसे लेकर बाकी वो कार अपना इंश्योरेंस में सही करवा लेते हैं, ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ होता है, आप जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कार ले जा रहे हैं, कार में हल्का फुल्का खरोच आ गया या थोड़ी मोड़ी चीज़ लग गई, वो उनको लगेगा कि हाँ ये खरोच 500 में ठीक हो जाएगा, 1000 में ठीक हो जाएगा, वो उतना पैसा लेके चीज़ें हो जाएंगी। अब गाइस तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने सेल्फ ड्राइव को कार को ले लिया और कार लेने के बाद फिर आपकी जो कार है, वो कार का किलोमीटर है 150 या आपने 200 किलोमीटर की लिमिट में लिया, आपकी कार चल गई गलती से 300, तो
अगर आपको जो 50 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा पड़ा उसका भी ये लोग चार्ज अपने मतलब ये बता देंगे कि 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम लेंगे, मतलब 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो वो चीज़ें आपको आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और यही ये जो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई कि सेल्फ ड्राइव का कैसे किया जाएगी, कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें इतना मेरे माइंड में था, मैंने आपको बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जो सेल्फ ड्राइव की जो कारें हैं वो लेके आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके 5-6 लोग फ्रेंड्स हैं और आप लोग चाहते हैं साथ में घूमना, तो हर जगह आप लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इससे बेटर है कि सेल्फ ड्राइव कार लें और सीधा घूमें, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको रोक टोक नहीं मिलेगा, जितना आपको जहाँ घूमना है वहाँ पर आराम से घूम सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया सेल्फ ड्राइव की जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से कि ये चीज़ें हैं और ऐसे होती है। आपका अगर इससे रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी चीज़ मुझसे पूछनी है, तो मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, मैं फ्रीली आंसर दे दूंगा और मैं आपको कभी भी आराम से आंसर दे दूंगा अगर आपको लगता है। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है जिस चीज़ को पहले मैं यूज करूँ, मैं यूज करके देखूँ कि वो चीज़ कैसी है, देन मैं आपको एडवाइस करूँ कि आप ये चीज़ यूज़ करें, तो मेरे को यूज़ करने में अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको बताया कि आप ये चीज़ को यूज़ कीजिए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे फ्रैंक हो रहा हूँ कैमरे के सामने, पहले मुझे बहुत घबराहट होती थी बोलते हुए, तो अब सारी चीज़ें बहुत सही चल रही है, हम लोगों का बॉन्डिंग चल रहा है बढ़िया। तो गाइस यही सारी चीज़ें, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, और क्या बोलूँ गाइस, कीप सपोर्ट, कीप लविंग, बाय।